Wish to study and settle abroad? With India's most trusted company, more than 3,000 plus visas in the past year. Meet international delegates. Get scholarship up to rupees 40 lakhs. More than 2,000 plus programs to choose from. Awarded number one consultant by Canadian and American institutes. Visit www.landmarkimmigration.com. जैतों में कार और जीप के बीच भयानक टक्कर हुई। दादा पोती सहित तीन की मौत और कई घायल होने की खबर मिली है। तलबनी साबो में मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई और दो मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि सिखों की सबसे पवित्र जगहों में से एक में तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की गई जो कि निंदनीय है। मुंबई में विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर को ब्लड प्रेशर के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्र सरकार की टीम कोटा के जेके लोन अस्पताल में पहुंची। उल्लेखनीय है कि अब तक अस्पताल में 107 नवजमों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में मंत्रालय बंटवारे को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना के मंत्री अब्दुल सत्तार ने बवाल के चलते इस्तीफा दे दिया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में मारे गए नवजातों की मौत के बाद पीड़ित परिजनों से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुलाकात की। रामबन में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व स्पीकर और AIIDM के नेता PH पंडियन का निधन हो गया।